दोस्तों, बॉलीवुड के कई फिल्मों में काम करने वाले सोनू सूद अब पूरे देश के लिए मसीहा बन चुके हैं। वे करीब 45,000 प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने से लेकर लोगों को दवाई, ऑक्सीजन देने, गरीबों को फाइनेंशियल हेल्प करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आज दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, एक समय था जब सोनू सूद खुद मुंबई के सड़कों पर काम के तलाश में पैदल फिरते थे। दोस्तों, आज यानी कि 30 जुलाई को सोनू सूद का जन्मदिन है। उनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हुआ था। तो दोस्तों, चलिए आज उनके जन्मदिन पर उनके स्ट्रगल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पंजाब के सोनू सूद को उनके पिता इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें नागपुर भेजा, जहां उन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सोनू सूद के पिता एक कपड़े की दुकान चलाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनू हीरो बनने का सपना देखकर लाखों नौजवानों की तरह 1996 में सपनों की नगरी यानी कि मुंबई पहुंच गए, जहां पर वे 3 लोगों के साथ एक कमरा शेयर करते हुए गरीबी में गुजारा किया करते थे। सोनू को कई महीनों तक मुंबई में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उसके बाद वे हैदराबाद पहुंच गए, जहां उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। सोनू को 1999 में तमिल फिल्म कालाजगर और नंजी नीले से डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद सोनू के टैलेंट को देखते हुए उन्हें कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने का मौका मिला। साल 2002 में सोनू ने बॉलीवुड फिल्म शहीद ए आजम में भगत सिंह का भूमिका निभाकर सबका दिल जीत लिया। इसके बाद युवा एक्टर आशिक बनाया आपने, जोधा अकबर, सिंह इज किंग, दबंग, आर राजकुमार, शूट आउट एट वडाला, पलटन और सिम्बा जैसे फिल्मों में नजर आए। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।